आज हम बात करने वाले हैं विक्टोरिया ऑटो कंपनी के बारे में, जो कि बावल हरियाणा में पड़ता है। लोकेशन इसका है विक्टोरिया ऑटो बावल, सेक्टर थ्री में ये कंपनी पड़ती है। हेल्पर ऑपरेटर और टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब निकल कर आई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं ITI, या आपने पढ़ाई न किया हो, आपके पास CNC, BMC, टूल रूम, प्रेस ऑपरेटर, स्पॉट वेल्डिंग और टर्नल का काम आता है तो आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास है इन कामों में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो आपके होने वाली, अगर आपने 10वीं 12वीं की है तो आपको हेल्पर पर रखा जाएगा, और हेल्पर की जो सैलरी होगी 10,662 रुपये होगी 26 दिन की 8 घंटे की। अगर आप ITI करके आ रहे हैं तो आपकी जो सैलरी होगी 11,500 26 दिन के 8 घंटे का इन हैंड आपको मिलेगा। अगर आप CNC मशीन चलाना आता है तो 15,000 से लेकर 18,000 तक आपकी सैलरी होगी। BMC ऑपरेट करते हैं तो आपकी 14,000 से लेकर 18,000 तक सैलरी होगी। आप टूल रूम की जानकारी है आपको तो 17,000 से 21,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। प्रेस ऑपरेटर हैं तो 13,500 आपकी सैलरी रहेगी। स्पोर्ट वेल्डर हैं तो आपको 14,000 रहेगी आपकी सैलरी। और आप टर्नल का काम जानते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी 21,000 रुपये होगी। डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे, अगर आपका इंटरव्यू अच्छी रही तो आपको सैलरी इतना प्रोवाइड हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया कंपनी है विक्टोरिया ऑटो कंपनी, इसमें सैलरी भी अच्छी है और काम भी सही, 8 घंटे की 26 दिन की काम होगा। अगर आप इस कंपनी में काम करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से हमें फॉलो करके मैसेज कीजिए। हम इस कंपनी के कंटेक्टर का आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे, आप उनसे बात करके कंपनी में जाकर इंटरव्यू देकर अपना ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बावल हरियाणा में अगर आप जॉब करना चाहते हैं विक्टोरिया ऑटो कंपनी में, तो आप हमें मैसेज जरूर करें, हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे और आप उनसे बात करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं 12वीं ITI किया है तो अपने साथ डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाए, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपने क्या पढ़ाई की है 10वीं 12वीं ITI जो भी किया उसका ओरिजिनल फ़ोटो कापी ले ले, बैंक पासबुक का फ़ोटो कापी ले ले, फ़ोटो ले ले और अपना रिज्यूम ले ले। अगर आपने पढ़ाई न भी किया हो तब भी अपना रिज्यूम जरूर लेके जाए, और आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फ़ोटो अपना लेकर जाए, आपकी इस कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाएगी। वीडियो में कुछ ऐसा लगा आपको जानने और सीखने का मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही कंपनियों के बारे में अपडेट देते रहें। फिर मिलते हैं किसी नई कंपनी में किसी नई कंपनी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।